सबसे पहले तो भैया जय माता दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस पूरे अर्थ पे, पूरे धरती पे, ठीक है जी, पूरे धरती पे हर कोई सोचता है कि पीस मिलेगा, मुझे कार हो जाएगा, घर लूंगा, वाइफ मिल जाएगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बैलेंस होगा, नाम हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। बट पूरे धरती पे ना किसी को पीस नहीं मिलेगा, इस कलयुग में किसी को शांति नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक जगह शांति मिलेगा आपको, जब आप किसी भी भगवान के शरण में जाते हो आप, तो आपको पीस मिलता है। कि जो भी, जो हमारा भी देख रहे हो आप, वो सारा मटेरियल वर्ल्ड है, सब बना हुआ है, बट सिर्फ हमें कुछ दिन के लिए ना हैप्पीनेस मिलता है। हैप्पीनेस कैसे मिलता है? हम एक कार खरीदते हैं, खुशी मिल जाती है। हम प्रमोशन हो जाता है, खुशी मिल जाती है। हमें कुछ बड़ा घर बना लेते हैं, खुशी मिल जाती है। बट कितने दिन तक खुशी मिलती है? सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। जो पीस है ना, वो पीस आपको मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो मिलेगी आप जब आप अपने भगवान में अंदर घुसोगे, जानोगे। और हम जो कर रहे हैं लाइफ में, जीवन में कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं कि बस यार अच्छी वाइफ मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पोजीशन मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए। बट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जीवन क्या है? भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, उसके बाद क्या मनुष्य बनोगे नहीं बनोगे, वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप नेक्स्ट जीवन भी जी सकते हो। इसलिए आप कुछ टाइम निकालो अपने जीवन को, नेक्स्ट जीवन के लिए कुछ करने के लिए। पैसा उतना ही कमाओ जितना आपका पेट भर सके, और बाकी जो टाइम है उसको आप अपनी भक्ति में लगाओ, कृष्णा में लगाओ, जिसमें आप बिलीव कर दो। बिलीविंग सिस्टम होना चाहिए। थैंक यू।